दोस्तों, अगर आप इस पौधे को अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो इस समय आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसको। ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा मात्र 50 रुपये में, लेकिन ये 50 रुपये की कीमत बहुत है, क्योंकि इस पौधे को आप घर पर लगाते हैं तो आपके घर पर सुख समृद्धि और शांति हमेशा निवास करेगी। ये पौधा सुख समृद्धि के लिए ही माना जाता है। ये एक वास्तु दोष निवारण पौधा है और इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप इसको घर पर लगाते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस पौधे को आप नर्सरी से लाइए और इस समय जो मानसून सीजन चल रहा है, आज जैसे जन्माष्टमी का दिन है, अगर आप इस पौधे को आज लाते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस पौधे को लगाना किस दिशा में है और किस में लगाना है, किस कितने बड़े पॉट में लगाना है, वो सब जानकारी मैं आपको दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये देखिए, अगर आप ये पौधा लगाते हैं तो इतने देखिए इतने छोटे पॉट में भी लग जाएगा। ये इससे छोटा पॉट भी है तब भी उसमें आसानी से ग्रो हो जाएगा। बाद में आप इसको बड़े पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा एक पौधा कितना अच्छे हो रहे हैं, और एक पौधा मैंने इसमें भी लगा रखा। इसमें जो होता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा पौधा जो है गलने लग गया है, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, सब पत्तियाँ गिरने लग गई हैं। तो इसका मेन कारण जो रहता है, आप इसको इनडोर रख देते हैं। ये नर्सरी वाले भी जो बेचते हैं, ये इसको इनडोर पौधा बोल के ही बेचते हैं, इनडोर प्लांट कहकर बोलते हैं, बेचते हैं। अगर आप इसको इनडोर रखेंगे तो इसमें जो धूप नहीं लगी उसकी वजह से इसकी पत्तियाँ सब पीली पड़ जाएंगी और गिरने लगेंगी। ये एक इनडोर प्लांट नहीं है, इसको आप 6 से 7 घंटे की अगर धूप में भी रखते हैं, तेज़ धूप भी होगी तब भी ये पौधा कोई ख़राब नहीं होगा। क्योंकि इसका जो मेन कारण जो गलने का होता है, जो इसका पौधा ख़राब होता है, इसमें आप पानी ज़्यादा डाल देते हैं। अगर इसमें पानी ज़्यादा होगा तो इसकी जो रूट्स हैं वो सब गलने लग जाएंगी और धीरे धीरे आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसमें पानी तभी डालिए जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी हुई नज़र आने लग जाए। आप ऐसे उठाकर देखेंगे, अगर मिट्टी अगर 1-2 इंच में अगर गीली है तो इसमें बिल्कुल पानी मत डालिए। इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और इसको अगर आप धूप में रखेंगे, इसको धूप में रखिए 6-7 घंटे। अगर आपके वहाँ धूप नहीं है, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको रोशनी मिल जाए, थोड़ी बहुत रोशनी भी मिल जाएगी तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर धूप में रहेगा तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छे से इसमें पत्तियाँ जो हैं इसकी अच्छे से आएंगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी इसकी। तो इस पौधे को आप धूप में रखिए। और इसको अगर आप पूर्व दिशा में रखते हैं, मेन जो होता है पूर्व दिशा में जहाँ से हमारा सूरज उगता है, अगर उस दिशा में इसको रखा जाए, जैसे हम तुलसी के प्लांट को भी पूर्व दिशा में ही रखते हैं, तो इसको भी उसी दिशा में रखा जाए तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ अच्छी होगी तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। तो आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रखिए। और इसमें जो खाद देते हैं, आप इसमें हर 8-10 दिन में अगर चाय पत्ती, जो सूखी हुई चाय पत्ती है घर की, अगर खाद दे रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक खाद दीजिए, सूखी हुई चाय पत्ती दे दीजिए। और इसकी जो जड़ें गलती हैं, जो इसके ब्रांच होती है यहाँ पर से गलने लग जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, आपको खुद दिख जाएगा ये ख़राब हो रहा है पौधा। तो आप इसमें जो इस है अंडे के छिलके होते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण जो है ये इसकी ब्रांच गलने लग जाती है। तो इसमें अंडे के छिलके, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें चौक डाल सकते हैं, अगर नॉन वेज हैं तो आप अंडे के छिलके जो होते हैं उनको बिल्कुल बारीक करके इसकी मिट्टी में मिला दीजिए हर 15-20 दिन में। तो उससे क्या होगा, इसकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसमें चौक मिला सकते हैं, चौक जो हम स्लेट जो लिखने के काम आती है चौक, वो डाल सकते हैं। वो नहीं है तो आप चूना भी डाल सकते हैं, थोड़ी मात्रा में आप चूना लीजिए, करीब इतनी मात्रा होगी, थोड़ी सी मात्रा चूने की इसके ऊपर मिट्टी में डाल के इसको मिट्टी को गुड़ाई कर दीजिए। इस तरीके से आप इसकी केयर करेंगे तो आपकी पौधा हरा भरा रहेगा। और ये देखिए मैंने कितने सारे पौधे लगा रखे, और देखिए सब हरे भरे हैं, कोई पत्तियाँ इनकी ख़राब नहीं है। तो इस अगर आपका पौधा इस प्रकार से घना हो जाए, जब आप इसको लगा देते हैं नर्सरी से लाकर, उसके बाद ये क्या होता है घना होते रहता है इस प्रकार से। अगर आप इसको घना करना चाहते हैं और ज़्यादा घना करना चाहते हैं तो इसकी नीचे की रूट, जितनी भी नई नई ब्रांचेज आई हैं नीचे की निकाल दीजिए। देखिए जैसे मैंने इसमें भी सारी नीचे की जितनी ब्रांचेज आई थी सब कट कर दिए हैं। इसमें क्या होता है, जब नीचे की ब्रांचेज अगर बढ़ जाएंगी, जो ये जड़ के समीप है, जो मिट्टी के वहाँ पर हैं, तो उससे क्या होता है आपका पौधा धीरे धीरे गलने लग जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी में लगने लग जाती है इसकी ब्रांचेज और पत्तियाँ मिट्टी में लगने लग जाती हैं, इसलिए आप इनको निकाल दीजिए। ये देखिए मैंने एक पौधा ये भी घना बना रखा है, ये देखिए नीचे से पूरा इसकी नीचे की जितनी ब्रांचेज हैं सब निकाल दिए हैं और पौधा ऊपर से घना हो रहा है। ऊपर से इसकी जब आप प्रूनिंग करेंगे
तो ये और घना होते रहेगा। जब आपका पौधा थोड़ा सा एक ही ब्रांच है उसमें अगर आप उसकी कटिंग करते रहें तो ये घना होते रहेगा। देखिए जैसे ये नई ब्रांच आई है, इसको यहाँ से अगर तोड़ देंगे इस प्रकार से, इसमें क्या होता है दो तीन ब्रांचेज यहाँ से निकल जाएंगी जैसे ये निकली है। देखिए उससे क्या होता है घना होते रहता है। इस प्रकार से आप पौधे को घना बना सकते हैं। और जो इसकी कटिंग है, जैसे मैंने ये निकाल लगा है, अगर इसको आप ऐसे ही लगा दें तो यहाँ से नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने सारे पौधे तैयार कर रखे। तो आप भी जेड प्लांट की कटिंग लगाइए या आप नर्सरी से लाते हैं तो इस प्रकार से अगर उसकी केयर करेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रो होगा। उसमें पानी कम डालिए और उसको पूरे दिन की धूप में रखिए तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस तरीके से आप एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने करे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।